खबर संत कबीर नगर से आ रही। लापता बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के बाहर मिला 6 साल के बच्चे का शव, 2 दिन पहले लापता हो गया था मासूम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। फरीदाबाद क्षेत्र के वासपुर गांव का ये मामला है। खबर संत कबीर नगर से आ रही। लापता बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हड़कंप मचा हुआ है। गांव के बाहर मिला 6 साल के बच्चे का शव, 2 दिन पहले लापता हो गया था मासूम। जिसका शव मिला है और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फरीदाबाद क्षेत्र के गौसपुर गांव का ये मामला है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी साहिल खान जुड़ गए हैं। साहिल, पूरा मामला क्या है, किस पर शक व्यक्त किया जा रहा है? जी, बताना चाहेंगे कि 6 साल का अंकित जो है 2 दिन पहले घर के सामने खेलते हुए अचानक वहां से लापता हो गया। उसके बाद घर वालों ने पुलिस को सूचना दी, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश में पुलिस करने लगी, लेकिन 2 दिन बाद आज गांव के 1 किलोमीटर दूर पास में पोखरा था, वहां पे बच्चे का शव बरामद होने के बाद एक मामला उठ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि बच्चे की हत्या की गई है। फिलहाल बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी, और क्या कुछ कदम उठाए पुलिस ने साहिल? फिलहाल तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी कि बच्चा कहाँ गायब हुआ था, लेकिन 2 दिन बाद जब बच्चा गांव के पास ही पोखरे में शव मिलता है, उसके बाद कई लोगों इसकी आवाज उठा रहे हैं कि बच्चे की कहीं ना कहीं हत्या की जा सकती है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। अब बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साहिल, पीड़ित परिजनों ने किसी पर शक व्यक्त किया है? फिलहाल अभी पीड़ित पे किसी पर आरोप नहीं लगा है, लेकिन घर वालों का रो रो का बुरा हाल है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही थी। साहिल, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।